ये इस गमले में जो है अमरपाली का ये पौधा लगा हुआ है और इस समय इस पे जो है मोहर आना चालू हो गया है। ये जो तो आप सामने जो देख रहे हो इस पे सब मोहर ही में कम्बैट हो गया है और बहुत अच्छा पौधे पर मोहर आया है इस समय। और ये बीच बीच में सीजन में मतलब इसकी देखभाल मैंने बीच बीच में कर रखी है। तो आज की जो वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि आपकी जैसे मोहर जो आता है वो किस तरीका से आपको रोकना चाहिए और किस चीज को लगाना चाहिए, तो उसके बारे में बताऊंगा कि कौन सी खाद डालनी चाहिए। तो लोगों की ये शिकायत रहती है कि जैसे हमारा अमरपाली का या किसी आम का पौधा लगा हुआ है तो उस पर मोहर तो आता है मगर जो फल नहीं बनता है, और फल बनता भी है तो वो हिल जाता है। तो उसके बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगा कि जिससे मोहर आए और फल रुके, तो वो चीज की मैं आपको जानकारी दूंगा। जैसे आप लोग कोई चीज में जैसे डालूंगा इसमें, तो आप अगर अपने घर पर अगर पौधा है या बाग में है तो वो चीज लगाने से आपका जो है इस पे जो मोहर आ रहा है तो फल 100% रुक जाएगा, इस बात का मुझे अंदाजा है। और मैं ये देसी नुस्खा और वैसी चीजों का इस्तेमाल करता रहता हूँ तो ये मुझे मालूम है। मैं ये भी बताने जाऊंगा कि जैसे आप लोगों को पौधा जैसे गमले में आप लगाने चाहते हो कि कौन सी वैरायटी का पौधा गमले में अच्छा चलता है, तो वो पूरी जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा। तो इस बारे में मैं पहली जानकारी ये दे रहा हूँ कि जैसे अमरपाली का पौधा मैंने इस गमले में लगा रखा है, तो जैसे आप लोग कौन कौन से पौधे लगा सकते हो गमले में उसके बारे में बताऊंगा। तो वैरायटी तो कई होती हैं आम की, जैसे लंगड़ा, चौसा, बम्बई, दशहरी, अमरपाली और गुलाब जामुन भी है। और हमारे पास वैसे तो तोता परी का पौधा जो आता है वो भी था, मगर उसका प्लांट हमारे पास है मगर हमने अब के बनाया नहीं है। बहरहाल ये 6-7 वैरायटी के जो पौधे बनाए हैं वो नर्सरी पर अब भी तैयार हैं और अब भी हम पौधे बेच रहे हैं और लगा भी रहे हैं। तो मैं गमले में जो पौधा लगाने के लायक होते हैं उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि जमीन में तो हर एक पौधा चल ही जाता है। तो जो गमले में जो लगाते हैं हम लोग पौधा, तो वो ऐसा होता है कि जैसे गमले में लगा दिया तो शौक होता है कि गमले में हमने छत पर लगा दिया गमले, तो उस पर मोहर आ रहा है तो उस पर फल आना चाहिए, तो हरा भरा रहता है तो वो सुंदर भी लगता है। तो उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ कि जैसे मैंने ये पौधा इनका लगाया करीब में, इस पौधे को गमले में लगाया हुआ करीब में 2 साल हो चुके और दोनों साल से लगातार फल दे रहा है गमले में। एक तो ये पौधा मैंने लगाया है अमरपाली का, तो ये पौधा तो ऐसा है कि ये पौधा भी तुम्हारा एक दफे अगर गमले में लगा दोगे तो इस पे एक तो ये होता है कि इस पर हर साल ही ना मोहर जरूर आएगा, क्योंकि मुझे मालूम है क्योंकि इस पौधे पे अमरपाली पर हर साल ही नहीं मोहर आता। और एक पौधा है जैसे दशहरी का होता है, तो दशहरी का भी पौधा गमले में बहुत अच्छा और सुंदर चलता है और वो भी हमेशा एक साल में ही फल देता है आम। और एक जो पौधा होता है हमारे पास गुलाब जामुन का होता है, तो वो भी गमले में आराम से लग जाता है। और चाहो तो बम्बई का जो पौधा होता है वो भी गमले में चल जाता है। तो ये 3-4 वैरायटी मैंने आपको बताई है, ये तो गमले में लगाने लायक हैं क्योंकि ये हेड कम करती हैं, बढ़ती बहुत कम है और पौधा की गुलाई देकर बढ़िया चलती हैं। और ये 2 वैरायटी हमारे पास ऐसी हैं जैसे लंगड़ा है, चौसा है, ये बहुत ऊंची हेड के हिसाब से चलता है और इस पर करीब में लगभग जब तक अगर पेड़ पौधा जो है 2 साल या 3 साल का नहीं होता है जब तक उस पर मोहर बनने की संभावना कम होती है, हालांकि वो होता ग्राफिट का ही है। और इस पर हम जो 1 साल की ही ग्राफिट कर देते हैं तो इस पर हर साल ही नहीं आ जाएगा, इतने छोटे साइज से लेकर फिर बढ़ता रहता है और इस पर मोहर आना चालू हो जाता है। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि देखो जैसे जी गमले में पौधा लगा हुआ है, आप चाहो तो इतने बड़े गमले में जो वैरायटी मैंने बताई है वो वैरायटी का पौधा आराम से ही मतलब इतने बड़े गमले में लग सकता है, चाहो तो इससे छोटे गमले में भी लग सकता है। क्योंकि गमला हम लोग जैसे छोटे में पहले लगा दिए फिर बड़े में चेंज कर देते हैं 1 साल के बाद, तो उससे पूरी पूरी खुराक मिल जाती है। तो उसका सीजन का टाइम होता है, जैसे हमें चेंज करना है तो उसका टाइम होगा। जैसा नहीं है कि मतलब हम 1 साल के बाद में एक साल ये पौधा लगा दिया, अब इस पर आप फल ले लिया तो हम इसको बरसात में ही जैसे ही फल के समाप्ति के बाद में इसको चाहे तो इससे बड़े भी गमले में डाल सकते हैं और चाहे तो दोबारा भी डाल सकते हैं। क्योंकि अगर इसकी दोबारा डालने के बाद इस गमले को तो जो चेंज जो मट्टी जो हम करते हैं तो उससे इसकी पूरी खुराक मिल जाती है और पौधे का कुछ नहीं बिगड़ता है, मगर वो
निकालने का और लगाने का तरीका होना चाहिए, क्योंकि अगर तरीका सही है तो पौधे पर कोई डिपास नहीं आएगा। क्योंकि अगर इस तरीका से अगर हम पौधा चलाते रहते हैं तो हमारा पौधा हरा भरा और सुंदर बना रहता है, और लगातार ही अगर एक गमले में अगर हम पौधा अगर 5 साल तक चलाएंगे तो पौधे जो है फिर वो बराबर दम नहीं दे पाता है। और ये बात हमेशा मुझे मालूम है और मैं ये काम करता रहता हूँ और चलाता रहता हूँ इस तरीके से, क्योंकि साल में एक दो दफे हम बीच बीच में इसमें खाद भी डालते हैं, और ज्यादा ऊंचे गमले में डालने के बाद 2 साल भी पौधा आराम से गमले में चला देते हैं खूब बढ़िया करके और बराबर फल देता है। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि जैसे मैंने ये पौधा इतना बड़ा घना बनाया है, तो जैसे आप लोगों का अगर गमले में पौधा है तो जैसे बरसात की शुरुआत बरसात होती है उस समय फल तो खत्म ही हो जाता है, तो आप लोगों को बीच में ऐसा करना होता है कि जैसे ही बरसात होती है, तो जैसे मैंने ये आपको टहनी देख रहे हो जी सामने वाली, तो मैंने शुरू बरसात में ये टहनी यहाँ से कट कर गया था, इनकी जो टहनी आप देख रहे हैं यहाँ से मैंने बीच में से कट कर दिया, सिंगल टहनी थी। अब इसमें बराबर से जो 3 टहनी फूट के आई है, अब जो तीनों पर बराबर मोहर आ गया, पेड़ की सो भी बन गई और गुलाई भी बन गई और मोहर भी आ गया इस पे। अब यहाँ से ही इस पे फल आना चालू हो जाएगा। तो मैंने ऐसे ही हर एक टहनी पे करा है, किसी पे ये मैंने कट लगाया नहीं है यहाँ से, और कट आपको वहीं से लगाना है यहाँ से, इसका मतलब गांठ होती है जैसे इस प्रकार की जो गांठ आप देख रहे हो, तो मैंने पहले ही इस गांठ से पहले ही काट दिया था ये शुरू बरसात में, इस टहनी को नहीं काटा है इसको, क्योंकि इस पे सिंगल ही मोहर आ रहा है। देखो ये वाली टहनी मैंने आपको दिखाई है, ये ही काटी है, जैसे आपने ये देखा, देखो ये भी आपको सामने से ये कटी हुई है, वो शुरू बरसात की कटी हुई है। तो बराबर इसमें 3-3, 4-4 शाखा आराम से फूट आई है, और जो है बहुत अच्छा और घना मोहर आप देख रहे हो का कितना सुंदर और बढ़िया मोहर आया है। जब इस पर आम लदेंगे तो एक वीडियो फिर भी बनाऊंगा मैं, क्योंकि जब आम आती है बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि मतलब कि बहुत से लोगों ने कहा करे कि नींबू की ऐसी बना देती है कि नींबू इतना नहीं आता है, ये गारंटी की बात है कि नींबू बराबर ही इतनी आ रहा है, क्योंकि देखभाल बराबर होती है। ये मेरे पास अब भी नींबू देखो इतने सारे लग रहे हैं, मगर वैरायटी अलग है इस नींबू की, जो आप लोग देख रहे हो वैरायटी अलग है। तो भैया इसके बारे में मैं आपको जो जानकारी दूंगा कि मैं क्या चीज इसमें लगाता हूँ, तो उसके बारे में बता रहा हूँ, पौधे के बारे में मैंने सारी बात आप लोगों को बता दी है भैया। तो शुरुआत तो हम लोग करते हैं कि जैसे अभी इसके अंदर जो घास फूस सारी जो है जमी हुई है, काफी दिन से जमी हुई है पौधे के अंदर, तो हम जो शुरुआत में ये नराई गुड़ाई करते हैं बहुत बढ़िया करके, कम से कम इसकी 2 इंची गहरी नराई हम कर देंगे। जब 2 इंची गहरी इसकी नराई करने के बाद, तब इसमें जो भी केमिकल या कोई दवाई वगैरह, हम जो वैसी दवाई या केमिकल वगैरह का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, वही देसी नुस्खे का ज्यादा करते हैं, क्योंकि गमले में जो है देसी का नुस्खा का जो इस्तेमाल करते हैं तो जो है पौधा हमारा हरा भरा और सुंदर बना रहता है। तो अब देखो भैया मैंने जो इसकी नराई गुड़ाई इतनी सुंदर से और बढ़िया कर दी, देखो इस गमले पे को इसकी गराई गुड़ाई नराई कर दी। अब इसके अंदर जो है मैं आपको जो जो नुस्खा मैंने जो डालूंगा इसमें वो आप लोगों को बताऊंगा कि भैया मैंने देखो ये चीज डाली है इसके अंदर। देखो ये जो फार्मूला आप लोगों को बता रहा हूँ सामने आप देख रहे हो कि जो मेरे पास जो है ये नीले कलर का होता है, ये तूतिया होता है, तो ये तूतिया आपको कितना डालना है और कैसे डालना है मैं इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। और ये दूसरा मेरे पास जो है ये चूना है, तो ये ठंडा वाला चूना है, ये पनबाड़ी की दुकान पे ही मिल जाता है, और वैसा आपको अगर चूना लेना ही है, जैसा अभी काफी काफी बाग में आप लोग लगाते हैं, तो वो आप लोगों को उसका इस्तेमाल ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वो गर्म चूने का इस्तेमाल जब करना है, क्योंकि ये तो एक गमले के लिए लेकर आया हूँ मैं, जैसे गमले में मैं डाल कर दिखा रहा हूँ, और बहुत से लोग बाग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो बाग में तो काफी हजारों की तादाद में पौधे होते हैं, 100, 200, 500 के तादाद में होते हैं, तो उसके बारे में तो आपको ऐसे चूना बाजार से लाना है जैसे 50 किलो या 20 किलो, तो वो चूना किसी ड्रम में डालने के बाद में वो 15 दिन तक ठंडा करना है, 15 दिन तक वो ठंडा हो जाएगा तभी इसके बारे में पौधों में ही डालना पड़ेगा, जब वो ठंडा हो जाए जब, और जे चूना जो है बिल्कुल ठंडा है, इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो भैया इसका डालने का जो तरीका है वो इस तरीका का है
कि जैसे एक पौधे की लिमिट कितनी होती है, तो उस हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो वैसे तो इस चूने की एक पौधे में करीब में इतनी लिमिटिंग होती है, जैसे छोटी वाली जो चम्मच होती है तो वो आधी चम्मच चूना ऐसा करके निकालना पड़ता है, क्योंकि मैं अंदाज से डाल रहा हूँ। तो आधी चम्मच का आप इस्तेमाल करोगे आराम से। तो मैंने जो आधी चम्मच के हिसाब से इस पानी में ये डाल दिया ये चूना, और क्या कहते हैं करीब में ये ऐसा मान के चलो एक पौधे में करीब में लगभग 10 ग्राम तूतिया है जो मेरे पास नीला वाला ये पड़ेगा। तो ये भी मैंने इस पानी में डाल दिया। अब डालने के बाद में अब इसे लगभग करीब में ये आराम से घुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीका से आप इस घोल लो इसे, ये बिल्कुल बढ़िया करके घुल जाएगा। अगर मान लो कोई टाइम भी लग रहा है तो 2-4 मिनट या 10 मिनट इसे रखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। जो कब पक्की तरह से अच्छी तरह से घुल जाना चाहिए। और जो घुलने के बाद में आप लोगों को ये किस तरकीब से लगाना है, ये नहीं है कि मैंने एक बार लगा दिया तो आप 8वें दिन या 10वें दिन डालोगे। इस तरीका से इस पानी का इस्तेमाल नहीं करोगे आप लोग। इस पानी का इस्तेमाल जब भी होगा करीब में 1 महीना या 25 दिन के बीच में, जब जो कैल्शियम की या किसी चीज की कमी आ रही है जब ही इसे डालोगे। और जब पौधा आपका सुरक्षित और बढ़िया चल रहा है तो इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी पौधे में। और जब देख रहे हैं कि हमारा मतलब जे कैल्शियम के लिए और पौधे की जो फल रोकने के लिए होता है, तो वो जे चीज जो बहुत अच्छी है और इसी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग बीच बीच में गमले में जो डालते हैं, तो वो इसी तरीका से बनाया हमने और डालते रहते हैं। और डालने का जो तरीका होगा वो करीब 1 महीना या 25 दिन के बीच में ही होगा, और नहीं बन पाए तो 1.5 महीने के अंतराल में भी पड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं आएगी पौधे में। जैसे अभी आप लोग जैसे चाहो, जैसे इस समय इस पर मोहर आ गया तो हम इसको इसके गमले के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर फूल आने से ही पहले, जैसे अगर फूल नहीं बनाए हमारे पेड़ पे, तो किसी प्रकार से अगर मान लो, तो आप इस पानी को इस तरीका से बना के, जैसे मैंने इतनी इतनी मात्रा में बनाई है और पौधा जबर है, तो आप ज्यादा ज्यादा डालने के बाद में जैसे 1 लीटर से लेकर 5 लीटर तक या 2 लीटर तक, तो इसका छान का बढ़िया करके और इस पर आप एस्प्रो भी कर देंगे ना इस पौधे पे पूरे पे ही, तो आपका पौधा बिल्कुल किल्ली दे के भी आएगा और साफ सुथरी पत्ती रहेगी, ना कालोच बढ़ेगी, ना कोई भी चीज के लगने की संभावना नहीं रहेगी और कोई भी बीमारी का कारण बन ही नहीं सकता मेरे हिसाब से। तो ये देखो इस तरकीब से ये पानी आराम से डाल दो, ऐसा करके ये डाल दिया मैंने। ज्यादा ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसके जड़ में ही डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने डाल दिया। अगर मान लो जैसे अब ये मिट्टी जो है थोड़ी थोड़ी अगर इस तरीका से अगर फैला दो तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मैंने ये फैला दी तो ये पौधा बिल्कुल साफ सुथरा और घना और बढ़िया 100% बनता रहेगा और चलता रहेगा। तो भैया ये तरकीका जो मैंने बताया है, इस तरकीब से आप पौधे भी बचा सकते हो और पौधा अच्छा और घना बढ़िया चल सकता है। ये चीज मैंने डाली है, इससे फल भी ज्यादा आएगा और फिर भी वो फल भी जो है ज्यादा टिकेगा बढ़िया। हाँ भैया, मैंने आप लोगों को एक बात भूल गया, जैसे मैंने आपको पौधे के बारे में तो बात बता दी, मगर एक बात का जरूर ध्यान रखना है, अगर आम का या अमरूद का अगर किसी चीज का पौधा है तो वो तेज धूप में ही रहना चाहिए। जितनी तेज धूप में रहेगा तो 100% पौधा तुम्हारा फल में कमेंट जरूर होगा, ये बात का आपको पूरा पूरा ध्यान रखना।